गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल केमिस्ट्री। आज हम आपको कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं, ना ही आपको कोई लेक्चर देने वाले हैं। आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि जो भी हमारे फ्रेंड्स CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन 16 मार्च यानी कल से लेकर 15 अप्रैल तक CSIR नेट का फॉर्म अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हम आपको कुछ जानकारी भी दे देते हैं जो हमारे फ्रेंड्स नए हैं इसकी प्रिपरेशन को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहते हैं कि सर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या कैसे इसका फॉर्म फिलअप होता है। तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि CSIR नेट NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है, जो कि JRF अवार्ड के लिए और लेक्चरशिप के लिए एग्जामिनेशन दिया जाता है। CSIR नेट की जो एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी है, साल में दो बार होती है। एक बार ये दिसंबर महीने में होती है और दूसरी बार ये जून में। तो अभी जून वाला एग्ज़ाम हमारा, जो कि बहुत ही नज़दीक है, 3 महीने बाद। तो जो भी एक्सपेरेंट तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि CSIR नेट की एलिजिबिलिटी क्या है। CSIR नेट में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए जो एज चाहिए वो 28 ईयर्स से कम। JRF के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लेक्चरशिप के लिए जाएंगे तो उसके लिए कोई एज लिमिटेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दूसरी चीज़ क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन में 4 ईयर डिग्री यानी MBBS या VTech BE, या तो हमारे पास MSc हम अपियरिंग में या MSc पास आउट हो विथ 55% के साथ। यानी कि जो स्टूडेंट हमारे MSc अपियरिंग में हैं, 55% मार्क गेन किए हैं, वो CSIR नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। CSIR NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बात करते हैं CSIR की, थी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको पास करने के बाद आप JRF अवार्डेड होते हैं, साथ ही साथ आप लेक्चरशिप के लिए भी अब एलिजिबल हो जाते हैं। तो हम बता दें कि CSIR मेनली 5 सब्जेक्ट का कराए जाने वाला एग्ज़ाम है। वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, सर मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरे लिए क्या CSIR होगा। तो मैं आपको बता दूं कि CSIR पहला सब्जेक्ट केमिकल साइंस, दूसरा लाइफ साइंस, तीसरा मैथमेटिकल साइंस, चौथा फिजिकल साइंस और 5वां अर्थ साइंस, यानी इसी में इन्वायरमेंटल्स जोड़ के रहते हैं, ओशियन भी रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि इन 5 सब्जेक्ट के लिए CSIR साल में 2 बार एग्ज़ाम कराता है, एक दिसंबर माह में, एक जून माह में। तो जो भी एक्सपेरेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, CSIR का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है, वो अपने फॉर्म को फिलअप कर दें। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, CSIR ने अपने एग्ज़ाम डेट को भी क्लियर कर दिया है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को डेट रखी गई है NTA द्वारा। दूसरी चीज़, 15 मई से आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा और 5 जुलाई को आपकी रिजल्ट भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि इतनी जल्दी जल्दी हर काम होगा। और आप लोगों के मन में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन मोड हुआ था, तो ये संशय दूर ही हो गया। अब जो हमारा CSIR एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी CBT होगा। तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। आपका एग्ज़ाम 21 जून को है, एकदम लग जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। दूसरी चीज़ कि कितने घंटे का टाइम ड्यूरेशन, तो 3 घंटे का रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न सेम है जैसे हमारा दिसंबर में हुआ था। बाकी आपको अधिक डिटेल चाहिए तो CSIR की होम पेज पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमसे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसके कमेंट में रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो जिनका भी CSIR एग्ज़ाम 21 जून को है, उनके लिए बेस्ट आप लक, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छे से करिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपके रिजल्ट डेट भी अनाउंसमेंट हो गई है, तो ये CSIR का परफेक्शन हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, फॉर्म को फिलअप करिए, और जो भी एक्सपेरेंट है उनको एक बार फिर से बेस्ट आप लक। थैंक यू।